दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइकस्टर और मैं प्रियदर्श। आज हम जिस गाड़ी की बात करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर डालते हैं ये है मेटियोर 350 सुपरनोवा, जो कि थंडरबर्ड को अपग्रेड करके बनाया गया है, जो देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, पावरफुल है और गुड लुकिंग है। तो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं इसके मीटर से। दोस्तों, ये जो छोटा मीटर है, ये GPS से काम करता है। इसे आपके फ़ोन से कनेक्ट करना होता है, उसके बाद ये एरो के द्वारा आपको नेविगेट करता है। ये देखिए, ये जो स्पीडोमीटर है, उसमें सिंबल दिए गए हैं, फ्यूल है, बैटरी है, ABS है और आपका इंजन का सिंबल दिया गया है। साथ ही इसमें पुश बटन दिया गया है, जिससे आप इसके फंक्शंस चेक कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें फ्यूल गेज दिया गया है, टाइम दिया है, गियर शिफ्टर दिया है और साथ ही आप इसमें देख पाएंगे कि आप अभी कौन से गियर पे चल रहे हैं, आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है और साथ ही आप इसमें पेट्रोल लेवल भी चेक कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, जो कमाल का है और बहुत काम का है। इसमें एक USB पोर्ट दिया गया है, जिससे आप आपका मोबाइल भी चार्ज कर पाएंगे और लैपटॉप भी आप चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इस बाइक में जो पावर स्विच अपग्रेड हुआ है, सच में कमाल का है। ये मेटियोर को बाकी बाइक की तुलना में ज़्यादा स्मार्ट बनाती है। दोस्तों, ये देखिए, ये ऑन करने का तरीका है और यहाँ पर आप ऑफ करके स्विच को रख सकते हैं। दोस्तों, इसके जो मिरर है वो ऑलरेडी पहले की तरह ही है, जो ऑलरेडी स्मार्ट है। अब बात करते हैं हेडलाइट की, तो इसमें हमेशा की तरह हैलोजन बल्ब ही है, लेकिन जो अपडेट हुआ है वो है DRL, यानी कि डे टाइम रनिंग लैम्प, जो कि बहुत ही स्मार्ट लुक बना रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रांडिंग की, तो रॉयल एनफील्ड है तो ब्रांडिंग होगी ही। और इसकी जो बैचिंग है वो बड़ी ही क्लास लग रही है, बहुत ही स्मार्ट लुक लग रहा है उसके बैचिंग का। दोस्तों, अब बात करते हैं इंजन की, तो ये जो इंजन का लुक है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर को सिर्फ अपग्रेड नहीं किया है, बल्कि पूरी तरीके से बदल दिया है। ये मैट फिनिश इंजन बहुत ही स्मार्ट लग रहा है, साथ ही उसके अंदर में न्यू फीचर्स भी इनबिल्ट किया गया है। दोस्तों, सुपरनोवा में क्रोम का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। इसमें साइलेंसर कम्प्लीटली क्रोम फिनिश्ड है, साथ ही इसका जो रिम है, दोस्तों पहले ये स्पोक रिम हुआ करती थी, उसको अपडेट करके इसमें अलॉय व्हील कर दिया गया है, यानी कि अब ये ट्यूब टायर ना होके बल्कि अब ये ट्यूबलेस टायर इसमें आ चुका है। इसमें पूरी गाड़ी का जो लुक है बहुत ही स्मार्ट बनाया गया है, उसी के साथ इसमें साउंड का भी पूरा ख्याल रखा गया है और साथ ही उसमें थंब भी बढ़ाया गया है। चलिए आपको सुनाते हैं। दोस्तों, इंटरसेप्टर 650cc की नो वाइब्रेशन वाली बाइक है रॉयल एनफील्ड की, लेकिन मेटियोर को नो वाइब्रेशन वाली बाइक बनाया गया है, सच में कमाल है। दोस्तों, मेटियोर में जो उसका रेयर फ्रंटर है, उसको काफ़ी बढ़ाया गया है, यानी ब्रॉड किया गया है। पहले की जो गाड़ी होती थी, उसमें रेयर फ्रंटर काफ़ी छोटा होता था, वहाँ गैप होती थी, जिसके कारण उसका लुक अच्छा नहीं आता था। लेकिन ये इसके कारण काफ़ी हेवी लुक आ रहा है और गाड़ी ऐसी दमदार नजर आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं सीट की, काफी स्मार्ट लुक है, स्प्लिट सीट है, काफी सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है और साथ में वाइड भी है, तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे तो काफी राइड को आप इंजॉय करेंगे। दोस्तों, इसका नागपुर में एक शोरूम प्राइस है 1,90,509 रुपए, जो कि बेस्ट बाइक इन बेस्ट प्राइस है। दोस्तों, ये है वेद मोटर्स के ओनर दिनेश लखनपाल जी। मेरा नाम दिनेश लखनपाल है। वेद मोटर्स हमारा ऑथराइज्ड सेल्स एंड सर्विस सेंटर है रॉयल एनफील्ड के लिए, जिसके बहुत सारे काफ़ी आइकॉनिक ब्रांड्स हैं और काफ़ी सारे मॉडल्स हैं हमारे, जो आपको हमारे शोरूम में आके देखने को मिल जाएंगे। वी आर सिचुएटेड एट रजत संकुल, दिस इज जस्ट बिसाइड फोर्ड शोरूम, नियर इंदौरा स्क्वायर, कामठी रोड। दोस्तों, आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।